मेरे पास दो ऐसे इलेक्ट्रोलाइट मौजूद हों जो आपस में एक दूसरे से क्या कर सके, रिएक्ट कर सके। फिर उसमें हमने तीन केस देखे कि क्या हमारा कंडक्टेंस होता है बिफोर इक्विवेलेंस पॉइंट, क्या होता है इक्विवेलेंस पॉइंट एंड क्या होता है आफ्टर इक्विवेलेंस पॉइंट। उसके फॉर्मूले देख लिए, कांसेप्ट अच्छे से समझ लिया। आओ एक न्यूमेरिकल देखते हैं रिएक्टिंग मिक्सचर का जिसमें कंडक्टेंस मेजर करना होता है। ये न्यूमेरिकल मैं लिख चुका हूं, क्या है 0.1 मोलर 100 ml एक्वस सॉल्यूशन इज टेकन इन कंडक्टिविटी सेल, ठीक है, व्हिच शोस कंडक्टेंस वैल्यू इक्वल्स टू 0.02 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। कौन सा कंडक्टेंस है ये? स्पेसिफिक कंडक्टेंस। किसने बताया मुझे? यूनिट ने बता दिया, ठीक है। किसका? NaOH का। किसका है? NaOH का। इफ इट इज टाइट्रेटेड विद 0.1 मोलर HCl सॉल्यूशन देन फाइंड आउट। उसने बोला कि अगर हम उसकी टाइट्रेशन HCl सॉल्यूशन के साथ कर रहे हैं, यानी टाइट्रेशन HCl सॉल्यूशन के साथ मतलब कि उसमें HCl का एडिशन कर रहे हैं, HCl ऐड कर रहे हैं जो 0.1 मोलर है, तो क्या ये सब चीजें पर निकालो, क्या A क्या है मेरा? A ये निकालनी है मोलर कंडक्टेंस ऑफ NaOH सॉल्यूशन। देखो गिवन क्या क्या है मुझे, मोलैरिटी ऑफ NaOH गिवन है, ठीक है, जो किसके इक्वल है 0.1 मोलर के इक्वल है, ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ NaOH गिवन है जो मुझे कितने 100 ml के इक्वल है, और स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ NaOH यानी कापा ऑफ NaOH गिवन है जो किसके इक्वल है 0.02 साइमन सेंटीमीटर, जिसके ऊपर है साइमन सेंटीमीटर फिल्म्स। तो मुझे ए ऑप्शन में मेरा क्या पूछा है? मोलर कंडक्टेंस ऑफ NaOH सिंगल है, सिंगल इलेक्ट्रोलाइट वाला केस है, इसमें ऐसा कुछ केस नहीं है। तो लैम्डा एन इक्वल्स टू के इनटू 1000 अपॉन मोलैरिटी, तो डायरेक्ट निकल जाएगा के की वैल्यू 0.02 इनटू 1000 अपॉन मोलैरिटी इज 0.1, ठीक है। इसको काट देंगे, ऐसे काट देंगे, तो ये यानी कि 200 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, यही तो होती है। क्या क्या ए ऑप्शन का आंसर जाएगा? 200 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है। NaOH क्या निकला? NaOH की मेरे पास क्या आ गई? क्या आ गई मेरे पास? मोलर कंडक्टेंस आ गई है। किसकी आ गई है? मोलर कंडक्टेंस ऑफ NaOH सॉल्यूशन आ गई है। अब अगले ऑप्शन में उसने क्या पूछा है मुझे? अगले ऑप्शन में पूछा है बी में कि अगर मैंने उसमें इधर उसमें 50 ml HCl ऐड कर दिया है, क्या ऐड कर दिया है? 50 ml HCl ऐड कर दिया है, ठीक है, तो जीरो HCl ऐड किया है तो यूज द कंडक्टेंस वैल्यू टू 0.01 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स फाइंड लैम्डा एम NaCl, ठीक है। उसने बोला भैया HCl कितना ऐड कर दिया मैंने? 50 ml ऐड कर दिया है, और HCl का जो लैम्डा एम है क्या है? लैम्डा एम है वो है 0.01 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स है, क्या है? 0.01 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स है, ठीक है। तो जो मेरा क्या है मोलर कंडक्टेंस है इसका HCl का, क्या है? मोलर कंडक्टेंस है NaCl का, सॉरी NaCl का, वो मुझे फाइंड करना है, ठीक है। तो ये रिएक्शन लगे से, तो सबसे पहले तो रिएक्शन लिख लो NaOH plus HCl giving NaCl plus water, water को फॉर्म नहीं करेगा तो उसका कोई मतलब नहीं है। NaOH मेरे पास कितना है? 0.1 मोलर है, और कितना है? 100 है, तो इसके कितने मिलीमोल होंगे? 10 मिलीमोल्स होंगे, कितने मिलीमोल्स होंगे? 10 मिलीमोल्स। अब HCl के साथ देखते हैं, HCl मेरा कितना है? 0.1 मोलर है, और कितने है? क्या है इसका? 50 है, ठीक है, इसके कितने मिलीमोल बन गए? 5 मिलीमोल बन गए। तो देखो अब लिमिटिंग एजेंट कौन हो गया इसके केस में? HCl हो गया, क्या हो गया? HCl लिमिटिंग एजेंट हो गया। तो जब रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा? इसके 5 बचेंगे, इसके 0 बचेंगे, इसके 5 बन जाएंगे, और इसके कितने बनेंगे? 0 बचेंगे, ठीक है। तो देखो मेरे पास किस किस के मोल्स बचे? NaOH के बचे और NaCl के। देखो तो मेरे पास कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट बचे हैं? अब ये कौन सा केस है? बिफोर इक्विवेलेंस पॉइंट वाला केस है बेसिकली, ठीक है। तो इसमें मेरे पास क्या बचा है? अगर मैं ए इसकी क्या लिखूं? इसका नई कंसंट्रेशन, नई कंसंट्रेशन ऑफ NaOH क्या हो जाएगी? NaOH 5 मिलीमोल अपॉन में टोटल वॉल्यूम, कितना टोटल वॉल्यूम हो गया? 100 NaOH का और 50 HCl का, 5/150। इसी तरीके से नई कंसंट्रेशन ऑफ NaCl क्या हो जाएगी? यानी m
as NaCl. So solution का जो concentration हो जाएगी वो भी 5/150 हो जाएगी. अब ये solution का जो formula बनेगा वो किसके पर आ जाएगा 1/1000 मोल क्या M as NaOH into lambda M of NaOH plus M as of NaCl into lambda M of NaCl. ठीक है, तो मुझे क्या निकालना है, lambda M of NaCl को निकालना है. किसको निकालना है, lambda M of NaCl को निकालना है. ठीक है, K solution मुझे given है, कितना K solution होगा, 0.01 sin of NaCl होगा, 0.01. ठीक है, equals to 1/1000. M dash N dash कितना हो गया, 5/150. ठीक है, और lambda M of NaCl कितनी निकाली है अभी मैंने, कितनी किसके इक्वल आई, lambda M of NaCl ये आया 200 sin centimeter into 200 plus M dash of NaCl 5/150 5/150 into lambda M of NaCl मुझे निकालना है. ठीक है, 5/150 भी कॉमन आ गया, तो 0.01 into 1000 ऊपर चला गया और 5/150 यानी 5 नीचे आ जाएगा और 150 ऊपर चला जाएगा, क्योंकि देखो 5/150 कॉमन लिया फिर इधर मल्टीप्लाई कर दिया. ठीक है, स्टेप स्किप किया है, देखो कंफ्यूज मत होना, तुम कंफ्यूज हो जाओ तो ये क्या बचेगा, 200 प्लस लैम्डा एम ऑफ एन ए. ठीक है, तो यहां से लैम्डा एम ऑफ एन ए सेल की वैल्यू हम निकाल देंगे, इसकी वैल्यू निकाल देंगे, लैम्डा एम ऑफ एन ए सेल की जो भी वैल्यू आएगी उसमें आ गई 5 से 30 टाइम्स, तो ये कितना हो जाएगा, 20 से ये 20 कट गए, 300 माइनस 200, तो ये अप्रोक कितना आंसर आ जाएगा, 100 लैम्डा में तो यूनिट sin सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, क्या आएगा, sin सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स. दूसरे ऑप्शन का आंसर क्या आएगा, 100 sin सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, 100 sin सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स. आओ ऑप्शन नंबर 3 की बात करते हैं, इसकी बात करेंगे हम ऑप्शन नंबर 3. उसने बोला अगर मैं 150 ml HCl को यूज कर दूं तो फाइंड आउट द कंडक्टिविटी ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन गिविंग दैट लैम्डा एम ऑफ HCl 225 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है. तो उसने बोला कि अगर मैं 150 ml HCl ऐड कर दूं तो भैया मेरी क्या कंसंट्रेट, क्या क्या स्पेसिफिक कंडक्टेंस होगा सॉल्यूशन का, यानी के सॉल्यूशन पूछा है किस केस का, जब 150 ml HCl ऐड किया गया, जो बिल्कुल छोटी सी बात है, बहुत करते हुए आए हैं ये बात, हम बिल्कुल लो फादर उसी केस में है, क्या वही रिएक्शन है मेरी, NaOH plus HCl giving NaCl plus H2, सिंपल सी रिएक्शन है, बचपन से बोलते आ रहे हैं. NaOH मिला तो कितना है, 0.100 ml, तो कितने मिलीमोल बन गए इसके, 10 मिलीमोल बन गए, 10 मिलीमोल बने, मिलीमोल्स कितने बने, कितने मिलीमोल्स बने. ठीक है, अब मेरा HCl कितना है, HCl कितना है, 0.1 मोलर और 150 ml, तो इसके कितने मिलीमोल बन गए, 150 मिलीमोल बन गए. अब रिएक्शन चलाएंगे 15 मिलीमोल बन गए, 150 बोलूंगा 15 मिलीमोल, तो रिएक्शन चलाएंगे इस वाले मीनिंग रिएजेंट, NaOH हो जाएगा, ये 0 बचेगा, इसके 5 बचेंगे रिएक्शन के बाद, इसके 10 फॉर्म हो जाएंगे और इसका कुछ लेंगे नहीं, H2 का कुछ लेंगे. तो अब मेरे रिएक्शन मेरे सॉल्यूशन में, मतलब मेरे सॉल्यूशन में कौन कौन से दो इलेक्ट्रोलाइट बचे हैं, HCl एंड NaCl. तो जब मेरा के सॉल्यूशन लिखा जाएगा तो इनकी कंसंट्रेशन देखो, नई कंसंट्रेशन ऑफ HCl क्या हो जाएगी, 5 टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 100 प्लस 150 दैट इज इक्वल्स टू 250. इसी तरीके से NaCl का नया वॉल्यूम कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, N/250. और जब ए सॉल्यूशन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ए सॉल्यूशन लिखेंगे 1/1000 क्या एम एस सी एल नई कंसंट्रेशन इनटू लैम्डा एम ऑफ एस सी एल प्लस एम नई कंसंट्रेशन ऑफ एन ए सी एल इनटू लैम्डा एम ऑफ एन ए सी एल. ये सब बातें सब पता है मुझे, ए सॉल्यूशन निकालना है, ए सॉल्यूशन निकालना है 1/1000, एम एस सी एल भी पता है 5/250. ठीक है, और लैम्डा एम ऑफ एचसीएल गिवन है मेरे पास 225 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स इनटू 225 प्लस एम ऑफ एनएसीएल क्या हो गया 10/250. ठीक है, और लैम्डा एम ऑफ एनएसीएल मैंने निकाला ही था, कितना आया था, गिवन था
lambda m of NaCl, और lambda m of NaCl given नहीं है, तो lambda m of NaCl हमने निकाल तो लिया था, ऑप्शन नंबर बी में वही तो निकाला, 100 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, यानी 100 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स आ गया। अब इसको सब निकालने के यहाँ से के सॉल्यूशन की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 0.0085 साइमन पर सेंटीमीटर, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स जो भी आई थी ना कैलकुलेशन में भाई कि मैंने निकाली हुई थी तो मुझे याद थी थोड़ी बहुत तो इसकी वजह से आई है, बाकी मुझे पता नहीं सही है क्या कैलकुलेटर का है, बाकी कौन सा बिल्कुल सही है। ठीक है, यहाँ न्यूमेरिकल हो गया। देखो यहाँ बेसिक कंडक्टेंस का टाइप ऑफ कंडक्टेंस वाला जो पार्ट था वो खत्म हो चुका है, अब हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग कंडक्टेंस जो हमारा दूसरा पार्ट था, तीन पार्ट में सिलेबस को डिवाइड करा था, क्या टाइप्स ऑफ कंडक्टेंस, फैक्टर्स अफेक्टिंग कंडक्टेंस और तीसरा कंडक्टोमेट्रिक थ्योरीज या कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन वाला जो पार्ट था। पहला पार्ट पूरा खत्म हो चुका है, दूसरा पार्ट